बजट प्राइस में ज़बरदस्त फ़ोन देना, ये तो रेडमी की आदत हो गई है और आपको पता है कि अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के साथ वो फ़ोन लेके आते हैं। अब कुछ लीक्स आई हैं, फ़ोन का नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या है। अगर आप बात करें तो फीचर्स की और उसके स्पेसिफिकेशंस की, आप तो आप पाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। जैसे कि अभी चाइना में उन्होंने MI 9 लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ वो फ़ोन आया था और उसका प्राइस अगर देखा जाए तो लगभग $500 में वो चाइना में मिलता है। लेकिन अब जो बात हो रही है जिस फ़ोन की, अब इसका नाम Poco F2 है या Redmi Pro 2 ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके लीक्स आए हैं, उसकी कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने Poco F1 देखा हो तो Poco F1 का डिज़ाइन पसंद नहीं आया लोगों को, लेकिन फीचर वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज प्राइस के अकॉर्डिंग फ़ोन बहुत ज़बरदस्त और पसंद आने वाला था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक लीक्स आई है जिसमें आपको उससे भी ज़बरदस्त फीचर मिलने वाले हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि Poco F2 होगा या फिर Redmi Pro 2। अब ये Redmi Pro 2 कहाँ से आ गया? Redmi Pro 2017 में MI ने चाइना में लॉन्च किया था, जिसमें आपको मिलता था X25 Helio P का प्रोसेसर और पावरफुल एक हाई एंड डिवाइस थी जो बहुत ही ज़बरदस्त उस टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्च हुई थी। लेकिन वो क्योंकि सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई, इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, उसी को कंटिन्यू करके Redmi Pro 2 के नाम से शायद इंडिया में लॉन्च करें, क्योंकि Redmi के दो फ़ोन Redmi Note 7 और Note 7 Pro काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इंडिया की मार्केट में। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको इसमें मिलेगा Snapdragon का 855 जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि अगर आप देखो Poco F1 आपको लगभग 20,000 की रेंज से स्टार्ट होता था और उसमें आपको Snapdragon का 845 मिलता था। अब डिस्प्ले की बात करें इसमें, तो डिस्प्ले आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, फिंगरप्रिंट आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा और सेल्फी कैमरे के लिए आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, जैसे आपको वीवो का V15 प्रो और ओप्पो का F11 प्रो में मिलता है देखने के लिए। अब बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, 6GB और 128GB का एक वेरिएंट होगा और 8GB 256GB का दूसरा वेरिएंट होगा। कैमरे की बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें आपको एक वही सेम जो Redmi Note 7 Pro में फर्स्ट कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको Sony का IMX586 का सेंसर वाला 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। सेकंड जो लेंस होगा वो होगा वाइड एंगल लेंस 13 मेगापिक्सल का और थर्ड टेलीफोटो लेंस होगा 8 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरे की मैंने अभी आपको बताया ही है कि सेल्फी कैमरा इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलने वाला है, ये कन्फर्म लीक्स पिक्चर्स भी आई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको सेल्फी का पॉपअप कैमरा मिलने वाला है जो कि 25 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको इसमें मिलेगा और साथ में अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी MI पावरफुल ही देता है, आपको बैटरी 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ में MIUI 11 मिल जाएगा जो लेटेस्ट अपडेट के साथ लॉन्च हुआ है। आपको एंड्रॉयड पाई 9.0 मिल जाएगा, आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, आपको उसके साथ में ही USB टाइप सी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन ये होने वाला है, अगर आप कंपेयर करेंगे Mi 9 से तो Mi 9 की तरह ही एक ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है, लेकिन प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। प्राइसिंग की बात की जा रही है कि 25,000 से कम में ही इंडिया में लॉन्च होगा। अब इसका नाम क्या होगा ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि भाई ये Poco F2 होगा या फिर Redmi Pro 2 होगा। बाकी ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है कि ये Redmi Pro 2 के नाम से ही इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें।